बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, पांच ऐसी हैबिट्स जो आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म वेट लॉस पे कंसंट्रेट ना करके हैबिट कैसे आप चेंज कर सकते हो जो कि आपको आगे जाके वेट लॉस भी देगी और आपको बहुत ज्यादा आपके मेडिकल कंडीशंस में, आपके वेट में भी फायदा देगी। सबसे पहली चीज तो लेट नाइट जो आप मंचिंग करते हो, आपको डिनर का एक टाइम फिक्स करना चाहिए, लेट इट बी 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, बट उसके बाद कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके का सॉलिड फूड का इंटेक आप नहीं करोगे। ये आपके सोडियम को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा, ये आपके फूड ईटिंग को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा और एक तरीके से एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर लेट नाइट ईटिंग को आप अवॉइड करेंगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, हमें ये करना है कि लेट नाइट ईटिंग जो मंचिंग होती है उसको हमें हटाना है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो यू कैन गो फॉर सम फ्रूट, जैसे आप लेट तक काम कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर वेजिटेबल सैलड, सूप्स या फ्रूट्स। इसके अलावा कोशिश करें कि लेट नाइट मंचिंग में कुछ भी ना हो। सेकेंड, वॉकिंग। चाहे आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो कर पाए चाहे ना कर पाए, आपको वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हम हेल्दी ईटिंग शुरू करेंगे तो उसके साथ हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बट ये अदर वे राउंड होना चाहिए। एक्सरसाइज का, वॉकिंग का या कोई भी फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो आप करते हो उसका टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए और वो डेली आपके रेजिम में शामिल होना चाहिए। वेट लॉस ही अकेला हमारा गोल नहीं है, हमारा जो मेन गोल होना चाहिए दैट इज अ हेल्दी लिविंग, अ डिजीज फ्री, बहुत ही मेंटल हेल्थ, मेंटल फिजिकल एंड साथ में इमोशनली हेल्दी बॉडी हो आपकी, तो उसके लिए एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये दो चीजें। तीसरी चीज, जब भी आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो पोषण कंट्रोल का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली ये होता है कि जब हम घर में खाना खाते हैं तो आपका पोषण यहाँ पे कंट्रोल्ड रहता है, बट जब आप आउटसाइड ईटिंग कर रहे हो, विच शुड बी रिस्ट्रिक्टेड नॉट मोर देन 1 time in a week और 2 time in a week, और वहां पे भी आपका पोषण यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। आप वहां जाके कोशिश करें कि घर से आप सूप एंड सैलड लेके गए या घर से अपने हाफ मील आप खा के गए, वहां जाके आपको फूड के साथ जस्टिस करना है और ऐसे नहीं खाना है कि आपने बहुत ज्यादा क्वालिटी में विश्वास करते हुए कि भाई हर चीज का आपने बहुत थोड़ा पोषण के साथ टेस्ट करने जितना खा लिया, बट क्वांटिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंटेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दैट इज योर वाटर इंटेक, फ्लूइड इंटेक। अगर आप 3 से 4 liter पानी पीते हैं तो आपकी जो भूख, जो बहुत एक्सेसिवली भूख लगती है उसमें भी आपको फर्क लगता है और साथ में आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर करती है। कई बार ऐसा होता है कि आप खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है और साथ में आपको वीकनेस बनी रहती है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो, तो पानी का इंटेक यहाँ पे पूरा होना चाहिए। और साथ में पांचवा जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज अबाउट मेंटेनिंग अ स्केड्यूल। अगर आप एक स्केड्यूल बना के चलते हो, अगर आप अपने टाइम के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ही डूएबल सा खुद ही अपना एक प्लान डिजाइन करते हैं, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना एक प्लान डिजाइन करते हैं जिसको आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो एंड जिसके अंदर आप छोटे इंटरवल में फूड का इंटेक कर रहे हो एज पर योर लाइफस्टाइल। अपना हेल्दी ईटिंग पैटर्न सबका डिफरेंट हो सकता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा लाइफस्टाइल हो सकता है अगर आपके जॉब प्रोफाइल से और आपके लाइफस्टाइल से डिफरेंट हो, तो डाइट ऐसा होना चाहिए या हेल्दी ईटिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो आपको सूट करे जब आपके पास टाइम होता है, प्लस जब आप उस फूड को अच्छे से चबा के खा सकते हो उस टाइम पे आपका फूड का इंटेक होना चाहिए। बहुत लंबा टाइम ऑफ फास्टिंग नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे इंटरवल्स में आपको खाना है, आपको अपनी बॉडी की सुननी है। तो लास्टली फिफ्थ जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्केड्यूल। अगर आप ये पांचों चीजें कर लेते हैं तो 50% काम हमारा हो गया, और फिर जब आप ये बहुत ही हैप्पीली कर रहे हैं देन सेकेंड स्टेप लेना चाहते हो स्पेसिफिक डाइट प्लान जो कि आपकी बॉडी के लिए है, आपकी मेडिकल डिसऑर्डर के लिए है, तो आप हमें यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।